कोई डेट फिक्स नहीं है। जब जब भगत को दरकार पड़े तब तब आना पड़ेगा। ये थोड़ी कि 17 को ही और 23 को 16 को दरकार पड़ गई तो 16 को भी आना, 15 को पड़ी तो 15 को भी आना। यहाँ पर आकर बोलते हैं, मंदिर में जाकर क्या बोलते हैं कि जो कुटिया आपने हमें दी है वहां पर भी आपको आना है और जब जब दरकार पड़े तब तब आना है। आनो पड़सी सेठ सांवरा भगता की अरदास है, आनो पड़सी सेठ सांवरा भगता की अरदास है। अरदास भी है और अधिकार भी है। अधिकार में क्या कहते हैं, अर्जी सुनकर आवे बोत, अर्जी सुनकर Oh,
एक तेरे आने से बाबा सारा संकट कट जासी, सगला संकट कट जासी, सगला संकट कट जासी। इस दरबार में कभी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर लूंगा। भाव गलत नहीं होते, लेकिन पता नहीं वो मैं जो होता है ना, वही इसको थोड़ा चुभ जाता है। ये अरदास भाव से कि बाबा अगर आप मेरे साथ दोगे ना बाबा, तो मैं चल पड़ूंगा बाबा, और ऐसा चलूंगा कि दुनिया देखेगी। जब ये भाव बोलते हैं ना, तब बाबा भी इसको चलाना नहीं है, ये चलने की बात बोल रहा है, इसको चलाना नहीं है, इसको दौड़ाना भी नहीं है, इसको उड़ाना है। लेकिन खुद उड़ने वाले को, जो खुद उड़ना चाहता है ना, उसको बोलता है अच्छा अब तू सोच रहे कि मैंने कृपा करी, मैं उड़ाऊंगा तो उड़, लेकिन तू सोचेगा कि मैं उड़ जाऊंगा तो बैटरी मेरे हाथ में है भाई। इसलिए हमेशा भाव ये रखे, एक थारे आने से बाबा सगला संकट कट जासी, सगला संकट कट जासी, मारा सगला संकट कट जासी, अटकी नैया चाल पड़ेगी, अटकी नैया चाल पड़ेगी, सौदो मारो पट जासी, सौदो मारो पट जासी, सौदो मारो कट जासी, मारे तो सुख दुख की दवाई, मारे तो सुख दुख की दवाई, जोर से बोलो, मारे तो सुख दुख की दवाई, मारे तो सुख दुख की दवाई, बाबा थारे पास है आज, अरे आनो पड़सी से बोलिए सांचे दरबार की। बस अपने विश्वास को उस लेवल तक ले जाओ कि आप जो कहो इसको मानना पड़ेगा, उस लेवल तक ले जाओ। तू पहली आस मेरी, पहला विश्वास है तू, तू पहली आस मेरी, पहला विश्वास है तू, आंखों से दूर भले मेरे मन के पास है तू, आंखों से दूर भले मेरे मन के पास है तू। सच है, किसकी किसकी पहली और आखिरी आस है, किसकी किसकी, एक दो पहला
आपसे प्यारा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके नजदीक होने को है। नजदीक है तो प्यारा है और दूर है तो प्यारा नहीं है, ये कोई परिभाषा नहीं है प्यारे की। प्यारे की परिभाषा ये है कि मैं जब मेरे दिल में आए आप हजारों मील दूर हो, मुझे ये महसूस हो जाए कि आप तो मेरे सामने खड़े हो। किसका किसका प्यारा है, आँखों से दूर भले।
मन के पास है तू।
बस आखिर में सारे में सर गाना देखो सब कोई तालियां बजाकर बोलो ना तू पहली आस मेरी पार्टी खड़ी हो जाती है अभी तो भाई साहब वो कहते नहीं गया देखिए आज मेरे पास कोई भजन ही नहीं था सच बताऊं तो विकी बढ़िया के पास डाटा नहीं है आइए बस एक एक कार और बाबा के साथ लेकिन दिल से बोलूं आज कई कई बार के बाद में आज लगा देवाशीष दार उनकी पूरी टीम के लिए तालियां बजाई हमेशा बजाते हैं लोग लेकिन आज क्या बात है सुनाने जा रहा हूं बाबा के श्री चरणों में रखने जा रहा हूं ये 5 मिनट बाबा को देकर जाओ उसके बाद नहीं रोकूंगा उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा बोले खाटू नरेश की खाटू जाओगे क्या लेकर जाओगे बताओ भाव की क्या परिभाषा है कहीं मिलता है भाव कहीं खरीद सकते हो खाटू लेकर क्या जाना दो बूंद का खजाना खाटू मिले आजकल जिसकी मर्जी में आ रहा है जैसे गाड़ी चला रहा है कोई कुछ भी बोल दे रहा है अपने अपने भाव हैं अपने अपने विचार हैं लिखने वाले के विचार ये हैं कि ये दो बूंद क्या कर सकती है और मैं भी उससे सहमत हूं तभी गा रहा हूं मैं कोई भी भजन तभी गाता हूं जब पहले मेरे दिल में उतरता है नहीं उतरता तो नहीं गाता क्योंकि आपको पसंद नहीं तो इसको कैसे पसंद हो जाएगा जब तक आपको पसंद नहीं होगा आप इसको सुना ही नहीं सकते है ना तो मुझे लिखने वाले से ज्यादा लिखने वाले का जो भाव थे उससे ज्यादा मुझे करंट लगा कल रात को मित्र मंडल में 3:15 बजे होंगे हमारा कोटा पूरा हो गया था लेकिन उन्होंने राग छेड़ दी तो ये भजन
कल वहां मित्र मंडल के अंदर में बाबा किसके चरणों में हाजिरी लगी, मुझे नहीं मालूम इससे पहले किसी ने सुनाया है कि नहीं सुनाया। तो आइए, दो बूंद का खजाना, खजाना, खजाना आपके पास अगर 100 करोड़ है और आप उसमें से 10 करोड़ भी वहां चढ़ा दोगे ना, वो खजाना नहीं कहलाएगा। लेकिन ये जो दो बूंद है ना, ये जो दो बूंद है, आपके पास सब कुछ है वो फीका है, ये खजाना बनकर यहां चढ़ जाएगा। इसलिए दो बूंद का खजाना खाटू में लेके आना, खाटू में लेके आना, दो बूंद का खजाना I'm
कभी कभी ये भी हारता है, पता है कैसे? तालियां बजाओ। साल बाद भी एवर ग्रीन रहेगा, लेकिन समय बदला है ना। सबकी दुकान चल रही है भाई, अनु मलिक साहब की चल रहे, सारे चल रहे, ठीक है ना। और आगे भी चलेंगे, ढिंचक भी चलेगा, तो उसके भी लिए भी लोग पैदा हो जाएंगे। लेकिन बदलाव आता था, आता है और आता, लेकिन एक चीज सुन लेना भाई, ये शाम है ना, ये शाम है, इसके रीजनिंग का तरीका 50 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, और 100 साल बाद भी रीजनिंग का तरीका वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। कहीं आप सोचो कि दुनिया बदल रही है तो शाम के रीजनिंग की रीत बदल जाएगी, तो हम जैसे चाहे वैसे रीजन ले, इम्पॉसिबल। बस भाव हो पुराना, बस बस भाव हो पुराना, बस भाव हो पुराना, खाटू में लेके जाना, खाटू में लेके जाना, दो बूंद का खजाना, खाटू में लेके जाना, खाटू में लेके जाना। और कुछ ले जा पाए, नहीं ले जा पाए, कोई गाड़ी भर भर के ले गया भाई, गर्मी के दिन में वो कौन से आम आते, मैं तो आम खाता नहीं, कहा के बंबई के कौन से वो हापुस, कोई अल्फांसो, कोई जर्मनी का फल ला रहा है, कोई लंदन का कुछ ला रहा है, कोई अमेरिका का कुछ ला रहा है, ठीक है ना, गाड़ा भर भर के। इससे अगल बगल वाले देखेंगे कि हाँ कोई मोटा तगड़ा सेठ आया है, लेकिन ये सेठ इसको नहीं देखता, ठीक है। लेकिन किसी के पास बेचारे के पास कुछ नहीं है, वो कहता है बाबा मेरे पास तो बस यही है, स्वीकार कर सकता है तो कर ले, वरना आप अपने घर राजी, मैं आपके दरबार से जाऊंगा तो राजी हो ही जाऊंगा, है ना। ये ऐसे भाव है, तो कुछ मिले ना मिले, कुछ चढ़ाने से कुछ नहीं होगा भाई, लेकिन ये जब चढ़ जाएंगे ना, तो विश्वास दिलाता हूँ ये भी खुश होगा और आपको भी खुश रखेगा। बोल साचे दरबार की, बोल हारे के सहारे की, आज के आनंद की जय श्री कृष्ण। चलो